Hello children, in this video we will do dictionary methods and built-in functions. What are built-in functions? Built-in functions क्या होते हैं? Built-in functions predefined functions होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, हमें उन्हें बनाना नहीं होता, right? We just have to use them. हमें क्या करना होता है? सिर्फ उनको use करना होता है, okay? Built-in functions predefined functions होते हैं, बने बनाए functions होते हैं, हमें सिर्फ उनको use करना होता है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव लेन फंक्शन. फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? लेन फंक्शन. दिस मेथड, ओके, फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं. दिस मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द गिवन डिक्शनरी. ओके, तो ये क्या करता है? लेन फंक्शन क्या करता है? जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी डिक्शनरी के अंदर कितने की वैल्यू पेयर्स हैं ये आप क्या करता है? ये डिस्प्ले करता है, राइट? ओके, तो व्हाट इज द सिंटेक्स? इसका सिंटेक्स क्या है? लेन, और लेन फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे? डिक्शनरी नेम. फाइन, ओके, लेन फंक्शन एंड लेन फंक्शन में आप पास करोगे डिक्शनरी नेम, राइट? लेन फंक्शन टेक्स डिक्शनरी नेम एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी. ये क्या बोल रहा है कि लेन फंक्शन डिक्शनरी नेम को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है और क्या रिटर्न करता है? रिटर्न करता है नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर प्रेजेंट इन द डिक्शनरी. ओके, डिक्शनरी नेम को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है और डिक्शनरी के अंदर कितने की वैल्यू पेयर है वो रिटर्न करता है. ओके, सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है D1, उसमें आपके की वैल्यू पेयर है 1 इज द की, राइट, एंड 10 इज द वैल्यू, देन 2 इज द की, 20 इज द वैल्यू. ओके, लाइक दिस. ओके, सो व्हाट यू हैव डन, उसके बाद आपने क्या किया? लेन फंक्शन का यूज किया, लेन फंक्शन के अंदर आपने D1 को पास कर दिया, राइट? अब क्या करेगा? आपने D1 को पास कर दिया, D1 इज द डिक्शनरी नेम. ओके, तो D1 के अंदर कितने की वैल्यू पेयर से अब ये लेन फंक्शन की हेल्प से आप क्या होंगे? डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 आ गया है कि इसके अंदर कितने पेयर की वैल्यू पेयर से 5 की वैल्यू पेयर से, राइट? वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. हमने एक और डिक्शनरी यहाँ पे लिया EMP, ओके, जिसमें आपने लिया है नेम की, रोहन इज द वैल्यू, एज की 24 इज द वैल्यू, डिपार्टमेंट की एंड सेल्स इज द वैल्यू, सैलरी की एंड 50,000 इज द वैल्यू. फाइन, ओके, अब लेन फंक्शन के अंदर आपने EMP डिक्शनरी को पास कर दिया, मतलब उसके नेम को पास कर दिया. तो यू कैन सी हियर आपके पास क्या आ गया? 4 4. व्हाट इज 4? 4 इज द नंबर ऑफ द की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज डिक्ट फंक्शन. ओके, डिक्ट फंक्शन हमने पहले भी किया था, जब हमने किया था हाउ वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स, राइट? तो यहाँ पे आपका डिक्ट फंक्शन का क्या यूज है? डिक्ट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद नो आइटम्स. डिक्ट फंक्शन की हेल्प से हम एक नई डिक्शनरी बना सकते हैं, लेकिन वो डिक्शनरी कैसी होगी? एम्प्टी डिक्शनरी होगी, उसके अंदर आइटम्स नहीं होंगे, राइट? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया डी इक्वल टू डिक्ट फंक्शन. फाइन, तो क्या हो गया? जब आपने क्या किया, डी वेरिएबल को डिक्ट फंक्शन से इनिशियलाइज किया है, तो क्या होगा? डी अब क्या बन जाएगा? डिक्शनरी बन जाएगा. जब आप डी को प्रिंट कराओगे तो यू कैन सी हियर इट विल प्रिंट द एम्प्टी डिक्शनरी. फाइन, अगर आपको देखना है कि सच में ये डिक्शनरी है कि नहीं है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो. टाइप फंक्शन के अंदर आपने डी को पास कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्या आ गया, क्लास डिक्ट. फाइन, आपका यहाँ पे अपीयर हो गया क्लास डिक्ट. सो दीज कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट एम्प्टी डिक्शनरी. अब ये क्या है, डिक्ट फंक्शन की हेल्प से हमने क्या क्रिएट किया है? एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट किया है. टू एड एन आइटम टू द डिक्शनरी वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर एक्सेसिंग एंड इनिशियलाइजिंग डिक्शनरी वैल्यू. अब ये क्या कह रहा है कि अगर एम्प्टी डिक्शनरी में आपको वैल्यूज डालने हैं तो आप क्या यूज करोगे, किसका यूज करोगे? आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे. फाइन, अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, D1. अब D1 क्या, ये सिंटेक्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. अगर आपको डिक्शनरी में 1 by 1 वैल्यूज आपको डालनी, तो आप कैसे डालोगे? अब यहाँ पे 1 क्या बन जाएगा, की बन जाएगा, इक्वल टू रेड. आपने रेड दिया, रेड आपने डबल कोट्स में दिया क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है. फाइन, तो रेड क्या बन जाएगा, 1 की वैल्यू. ओके, ऐसे हम स्ट्रिंग के आइटम्स को डिफाइन करते हैं. ओके, D2, अब 2 क्या बन जाएगा इसका, की, एंड ब्लू बन जाएगा इसका वैल्यू. फाइन, D3 इज द की एंड व्हाइट इज द वैल्यू, 4 इज द की एंड ग्रीन इज द वैल्यू. अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे, सी
सो यू कैन सी हियर, वन की रेड वैल्यू, टू की ब्लू वैल्यू, ओके, टू की वैल्यू क्या है ब्लू, एंड थ्री की वैल्यू व्हाइट, एंड फोर की वैल्यू ग्रीन, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन वी विल क्रिएट द एम्प्टी डिक्शनरी, एंड लेटर ऑन वी कैन इंसर्ट द आइटम्स इन द डिक्शनरी वन बाय वन लाइक दिस, ओके. नेक्स्ट फंक्शन इज कीज फंक्शन. द कीज फंक्शन रिटर्न ऑल द कीज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ कीज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, कीज फंक्शन की हेल्प से आप डिक्शनरी की सारी कीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, राइट. इसका मीनिंग है जब आप डिक्शनरी नेम के साथ कीज फंक्शन यूज करते हो तो इट विल डिस्प्ले ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी, राइट. तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के सारे कीज को डिस्प्ले कर देगा विदाउट वैल्यूज, राइट. ओनली कीज विल डिस्प्ले, राइट. और किस फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा. सो व्हाट इज द सिंटेक्स, डिक्शनरी नेम डॉट कीज फंक्शन, राइट. सो हियर वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारी डी क्या है, दिस इज द डिक्शनरी हैविंग द डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स. D1 इज द की, मंडे इज द वैल्यू, D2 इज द की, ट्यूजडे इज द वैल्यू, एंड सो ऑन, फाइन. अब आपने क्या किया, D D इज द डिक्शनरी नेम डॉट कीज, कीज फंक्शन लिया. नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, आपका क्या आ गया, डिक्ट कीज. जितनी भी आपकी कीज थी वो सारी लिस्ट के फॉर्म में आ गई है. D1, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, यू कैन सी हियर, फाइन. तो कीज फंक्शन की हेल्प से आपकी जितनी भी कीज थी डिक्शनरी के अंदर वो सारी लिस्ट की फॉर्म में अपीयर हो गई है, राइट. नाउ वी हैव वैल्यूज फंक्शन. द वैल्यूज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस अ लिस्ट, राइट. ओके, कीज फंक्शन की हेल्प से हमने लिस्ट ऑफ कीज आपको मिली थी. ओके, वैल्यूज फंक्शन की हेल्प से आपको डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी, फाइन. अब यहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स क्या है, डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज, फाइन. तो अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, लिस्ट यहाँ पे हमारी डी इज द लिस्ट, ओके, हैविंग द की वैल्यू पेयर्स. D1 इज द की, मंडे इज द वैल्यू, D2 इज द की, ट्यूजडे इज द वैल्यू, एंड सो ऑन. तो आपने क्या किया है, लिस्ट फंक्शन के अंदर डी डॉट वैल्यूज फंक्शन को पास किया है, राइट. डी इज द डिक्शनरी नेम, ओके, एंड वैल्यूज फंक्शन. वैल्यूज फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, ओके. और आपने इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर एनक्लोज किया है तो लिस्ट फॉर्म में इसको रिटर्न करेगा, फाइन. तो अब यहाँ पे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये सारी क्या है, वैल्यूज किस फॉर्म में आ गई, आपके लिस्ट फॉर्म के में आ गई है, ओके. सो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज फंक्शन डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उसको रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, फाइन. नेक्स्ट फंक्शन इज आइटम्स फंक्शन. द आइटम्स फंक्शन रिटर्न्स ऑल ऑफ द आइटम्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल्स. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जब आप आइटम फंक्शन का यूज करते हो तो डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, वो किस फॉर्म में अपेयर होते हैं, वो की वैल्यू टपल फॉर्म में अपीयर होते हैं. जितने भी आपके इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स हैं वो इंडिविजुअल टपल्स बन जाते हैं, फाइन. वो टपल फॉर्म में आपके पास आते हैं, फाइन. अब इसको यूज कैसे करना है, डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स, डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स फंक्शन. अब नाउ यू कैन सी हियर, दिस डी इज द डिक्शनरी, ओके. आपने इसको प्रिंट भी करा दिया. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट हुई है, ओके. कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज है, ओके. एंड नाउ यू कैन सी दिस. अब आपने क्या किया, डी डॉट आइटम्स फंक्शन का यूज किया. डी डॉट आइटम फंक्शन का जब आप यूज करते हैं तो यू कैन सी जितने भी की वैल्यू पेयर है वो टपल बन चुके हैं. D1 मंडे, टपल क्या होता है, जब टपल इज लाइक अ टपल इज अ सिक्वेंस, ओके, विच स्टोर्स आइटम इन सर्कुलर ब्रैकेट्स एंड आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कोमा, राइट. सो सी फर्स्ट जो आपका पेयर था वो एक टपल बन गया, देन दिस इज सेकंड टपल, देन दिस इज थर्ड टपल. तो जितने भी आपकी की वैल्यू पेयर्स हैं नाउ दे हैव बिकम टपल्स, राइट, ओके. नाउ देखो व्हाट इज दिस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट कमांड बिकॉज इन प्रिंट कमांड डिक्शनरी वैल्यूज आर रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट एंड द की वैल्यूज एंड द की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉलन,
फाइन, तो ये क्या कह रहा है कि जब आप डी आइटम्स फंक्शन का यूज करते हो तो टपल फॉर्म में आपका की वैल्यू पेयर आता है. ओके, जब आप प्रिंट करते हो तो आप यू कैन सी यहाँ पे क्या कर्ली ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, और जो आपके की एंड वैल्यू है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट हुए हैं, कॉलन की हेल्प से सेपरेट हुए हैं. बट अगर आप टपल्स में देखोगे तो यहाँ सेपरेशन के लिए क्या यूज हुआ है, यहाँ पे सेपरेशन के लिए कोमा आपका यूज हुआ है, लाइक ओके कोमा यूज हुआ है. सो विद द हेल्प ऑफ द आइटम फंक्शन, व्हाट इज द यूज ऑफ आइटम फंक्शन, इट रिटर्न्स द की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल. एज द आइटम फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर, वी कैन राइट अ लूप हैविंग टू वेरिएबल्स टू एक्सेस की वैल्यू पेयर्स. अब ये क्या कह रहा है कि आइटम फंक्शन की हेल्प से आपका क्या होता है, की वैल्यू पेयर एज अ सीक्वेंस मतलब एज अ टपल आपको मिलता है. फाइन, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे लूप का यूज कर सकते हो. ओके, जिसमें जिस लूप के अंदर कौन टू वेरिएबल्स हो, ठीक है, आप लूप का यूज कर सकते हो जिसमें टू वेरिएबल्स हो टू एक्सेस द की वैल्यू पेयर. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ एक पर्टिकुलर टपल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझेंगे. यहाँ पे ई एम पी इज द डिक्शनरी नेम, फाइन, हैविंग द की वैल्यू पेयर, नेम इज द की, रोहन इज द नेम इज द की एंड रोहन इज द वैल्यू, एज इज द की, 24 इज द वैल्यू, डिपार्टमेंट इज द की, सेल्स इज द वैल्यू. ओके, अब आपने क्या किया, इस डिक्शनरी के साथ आइटम्स फंक्शन का यूज किया, तो ये क्या होगा, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा टपल्स के अंदर, ठीक है, ये आपका टपल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस. यहाँ पे ये आपका टपल्स बन जाएंगे. ओके, ये एक एक टपल बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे फोर टपल्स आ जाएंगे, फाइन. ओके, लाइक दिस यू विल गेट द टपल्स विद द हेल्प ऑफ आइटम्स फंक्शन. और आपने क्या किया, इस टपल्स को कहाँ पे आपने सेव कर दिया, सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, फाइन, सीक्वेंस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया. अब हमें क्या करना है, इन टपल्स को वन बाय वन एक्सेस करना है और प्रिंट कराना है. ओके, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम फोर लूप लगाएंगे, फोर की वैल्यू. अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, एक वेरिएबल है की एंड सेकेंड है वैल्यू इन सीक्वेंस. तो एक बार में पूरी एक टपल एक्सेस होगी, ओके, की के अंदर की जाएगी और वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगा, राइट, की के अंदर की एंड वैल्यू के अंदर वैल्यू. ओके, प्रिंट की वैल्यू, और नेक्स्ट आपने कमांड क्या दिया है, प्रिंट की वैल्यू, प्रिंट हो जाए की वैल्यू. तो आप देखो, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आपका क्या प्रिंट हुआ है, नेम रोहन. ओके, सेकेंड लूप में फिर अगेन एज 24, देन थर्ड लूप में डिपार्टमेंट सेल्स, देन फोर्थ लूप में सैलरी 50,000. तो इस करके क्या हुआ, आपका पूरा लूप चला वन बाय वन, और उसने टपल्स को एक्सेस किया और यहाँ पे आपको प्रिंट कमांड की हेल्प से आपने उसको डिस्प्ले करा दिया, फाइन. ओके, नाउ दिस लूप हैज टू आइट्रेशन वेरिएबल, की एंड वैल्यू. तो ये क्या कह रहा है कि इस लूप के अंदर हमने दो आइट्रेशन वेरिएबल का यूज किया है, की का और वैल्यू का. डेट आइट्रेस टू ईच ऑफ द की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी, डेट इज ईच की वैल्यू पेयर इज असाइंड टू लूप वेरिएबल्स की एंड वैल्यू एट अ टाइम. तो वॉट डज इट मीन, वो क्या कह रहा है कि जो की और वैल्यू दो वेरिएबल हैं, वो डिक्शनरी को वन बाय वन आइट्रेट करेंगे, डिक्शनरी को वन बाय वन एक्सेस करेंगे, राइट. तो इन्होंने फर्स्ट फर्स्ट टपल के आइटम्स को एक्सेस किया, देन सेकेंड टपल के आइटम को एक्सेस किया, थर्ड टपल के आइटम को, देन फोर्थ टपल के आइटम को एक्सेस किया. ओके, एंड नेक्स्ट कमांड में हमने प्रिंट की प्रिंट फंक्शन की हेल्प से की और वैल्यू को प्रिंट करा दिया, फाइन. नेक्स्ट फंक्शन इज गेट फंक्शन. द गेट मेथड रिटर्न्स अ वैल्यू फॉर द गिवन की. अब गेट मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर की से रिलेटेड वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, डिक्शनरी डॉट गेट की इज इक्विवेलेंट टू डिक्शनरी की. ओके, तो ये क्या कह रहा है, जो आप यहाँ पे यूज करो डिक्शनरी डॉट गेट की, गेट फंक्शन का यूज कर रहे हो, वो किसके इक्वल है, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट की. ओके, जब आप डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की को यूज करते हो तो क्या होता है, की वैल्यू डिस्प्ले होती है, राइट. तो अगर आप डिक्शनरी डॉट गेट की करोगे तब भी सेम की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फाइन. इफ द की इज नॉट अवेलेबल देन रिटर्न्स डिफॉल्ट नन. क्या कह रहा है, अगर की अवेलेबल नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू नन डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, तो इसका सिंटेक्स आप देखेंगे, डिक्शनरी डिक्शनरी नेम, ओके, डॉट गेट. अब गेट फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है, की, जो भी की चाहिए, फाइन, और आप डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हो नन, फाइन.
फाइन, अदरवाइज आप सिंपली की पास कर दोगे तो की से रिलेटेड वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब ये दिखा हुआ की, व्हाट इज की, दिस इज द की टू बी सर्च इन द डिक्शनरी, ये की क्या है जो हमें सर्च करनी है, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। एंड डिफॉल्ट, दिस इज द वैल्यू टू बी रिटर्न इन केस की डजंट एग्जिस्ट। अब ये क्या कह रहा है, डिफॉल्ट कब आता है, जो तब आता है जब आपने जो की पास की है वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, फाइन। तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नन आ जाएगा, फाइन। तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास डिक्शनरी है डी, ओके। डे वन मंडे, डे टू ट्यूसडे, डे थ्री वेडनेसडे एंड डे फोर थर्सडे। नाउ डी डॉट गेट, हमने फंक्शन का, गेट फंक्शन का यूज किया, उसमें पास की हमने की डे थ्री। डे थ्री, डे थ्री आपने पास किया है तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी वेनसडे। तो आपके पास वेनसडे आ गया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आपने क्या किया, प्रिंट डी डॉट गेट डे फाइव। नाउ डे फाइव इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, डे फाइव नाम की कोई की है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर, तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई नन, ओके। बिकॉज यहाँ पे डे फाइव नाम की कोई की थी ही नहीं, तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई नन। इन प्लेस ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू नन, वी कैन स्पेसिफाई आर ऑन मैसेज ऑल्सो। अगर आप नहीं चाहते हो कि नन डिस्प्ले हो, आप चाहते हो कुछ और डिस्प्ले हो, तो आप अपना खुद का मैसेज भी दे सकते हो, राइट। हाउ यू विल डू, हाउ यू विल गिव दिस, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। ये आपके पास डिक्शनरी है डी, डे वन मंडे, डे टू ट्यूजडे, दिस इज द डिक्शनरी। आप क्या करें, हम गेट फंक्शन का यूज करें, डी डॉट गेट। गेट फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया, की का नेम दिया डे टू, और एक मैसेज दे दिया, नन की जगह आपने एक मैसेज दे दिया, एरर की नॉट फाउंड, फाइन। बट यहाँ पे क्या है, डे टू तो प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्यूसडे, ओके। अब नेक्स्ट आपने फिर से पास किया डी डॉट गेट डे फाइव। नाउ यू कैन सी डे फाइव तो है ही नहीं इसके अंदर, ओके। डे फाइव नहीं है तो क्या होगा, कि ये वाली की प्रेजेंट नहीं है, तो डिफॉल्ट मैसेज जो आपने दिया है वो प्रिंट हो जाएगा, एरर की नॉट फाउंड, फाइन। अगर की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो जो आपने मैसेज दिया है वो डिस्प्ले कर जाएगा, फाइन। हियर वी हैव स्पेसिफाइड आर ऑन मैसेज, बट इफ द की एग्जिस्ट देन इट विल रिटर्न इट्स वैल्यू, नॉट कस्टमाइज मैसेज, ओके। दैट आई हैव टोल्ड यू, अगर की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो आपका मैसेज जो आपने दिया है वो आपका डिस्प्ले करेगा, ओके। नेक्स्ट मेथड इज अपडेट मेथड। टू डिक्शनरीज कैन बी मर्ज इन टू वन बाय यूजिंग अपडेट मेथड। इट मर्जेस द कीज एंड वैल्यूज ऑफ वन डिक्शनरी इन टू अनदर एंड ओवरराइट्स वैल्यूज ऑफ द सेम की। अब क्या यूज है अपडेट मेथड का, अपडेट मेथड की हेल्प से हम टू डिक्शनरीज को मर्ज कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं, फाइन, ओके। अब ये कह रहा है कि जब आप मिलाओगे, अगर मान लो दोनों में कीज सेम है, ओके, अगर की सेम है तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगी, एक की वैल्यू दूसरी की वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, मींस किसी एक जो आपने मर्ज किया डिक्शनरी उसकी वैल्यू ही डिस्प्ले होगी, फाइन। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। सिंटेक्स आप पहले देखो, डिक्शनरी नेम वन डॉट अपडेट डिक्शनरी नेम टू। अब हम डिक्शनरी नेम जो वन है, डिक्शनरी वन है, उसको अपडेट कर रहे हैं किससे, डिक्शनरी टू से, और यू कैन से इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, राइट। और अगर इनकी कीज सेम होंगी तो डिक्शनरी टू की जो वैल्यू है वो इसकी डिक्शनरी वन की वैल्यू के ऊपर आ जाएंगी, इसको ओवरराइट कर देंगी, फाइन। यूजिंग दिस, डिक्शनरी नेम टू इज एडेड टू द डिक्शनरी नेम वन, फाइन। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास डी वन एक डिक्शनरी है जिसकी वैल्यूज है 1, 10, 2, 20, 3, 30, ये इसकी की वैल्यू पेयर्स है। आपके पास डी टू है 4, 40, 5, 50। अब आपने क्या किया, डी वन डॉट अपडेट डी टू, डी वन के अंदर आपने मर्ज किया है डी टू को। जब आप डी वन को प्रिंट करोगे, नाउ यू कैन सी 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, ओके, दिस इज योर डिक्शनरी। अब आप अगर प्रिंट करते हो डी टू को, तो डी टू के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि आपने यहाँ पे किसको अपडेट किया है, आपने डी वन को अपडेट किया है, डी टू को अपडेट नहीं किया है, और डी वन को किससे अपडेट किया है, डी टू से अपडेट किया है, फाइन। तो डी टू इसमें मर्ज हो गई है, फाइन। लेकिन आप सिंपली डी टू को अगर देखोगे तो उसमें किसी कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई है, फाइन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डी वन एंड डी टू, ओके। अब आप, मैंने क्या किया इसमें, अब आपकी कीज को सेम रख दिया है, यहाँ पे देखो 1 एंड 2 एंड 3, तो क्या हुआ, ये तीन कीज क्या हो गई, सेम। अब देखो इनकी वैल्यूज भी सेम है, 1 की वैल्यू तो सेम है, दोनों के अंदर 10 10 है, 3 में भी 3 जो की है उसकी वैल्यू भी सेम है, 30 30 है, लेकिन 2 के में मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू चेंज कर दी, दैट इज 20, ओके। अब आपने क्या किया, डी वन को अपडेट किया किससे, डी टू से,
मतलब डी टू अब मर्ज हो जाएगी डी वन में जाके। ओके जब आप प्रिंट करते हो डी वन को तो देखो 110 220। अब देखो यहाँ पे टू की के साथ 20 आ रहा है, 30 नहीं आ रहा, 20 आ रहा है, क्योंकि डी टू की जो वैल्यू थी उसने ओवरराइट कर दिया डी वन की वैल्यू को। ठीक है ओके 30 को ओवरराइट कर दिया 20 ने, देन 330 एंड 5 की 40 एंड 6 की 60, लाइक दिस फाइन। और जब आप डी टू को प्रिंट करते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने डी टू के अंदर कोई चेंज नहीं किया, हमने डी वन के अंदर अपडेशन की है फाइन। नेक्स्ट मेथड इज क्लियर मेथड और क्लियर फंक्शन। द क्लियर मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड द डिक्शनरी बिकम्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। क्लियर फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, उनको डिलीट कर देता है, और आपके पास क्या रह जाता है, आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी रह जाती है फाइन। और इसका सिंटेक्स क्या है, क्लियर इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट क्लियर फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर फंक्शन, सिंपल। अब आपके पास एक डिक्शनरी है ईएमपी, ओके नाउ यू कैन सी द की वैल्यू पेयर, नेम की, रोहन वैल्यू, एज की, 24 वैल्यू, दिस फाइन। अब आपने आपने इसको ईएमपी को डिस्प्ले कराया, दिस इज योर डिक्शनरी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपकी डिक्शनरी है। अब नेक्स्ट आपने अगर कमांड दी ईएमपी डॉट क्लियर, ओके ईएमपी डॉट क्लियर कमांड दी, तो उसके बाद जब आप इसको डिस्प्ले कराते हो ईएमपी को, ठीक है डिक्शनरी को डिस्प्ले कराते हो, तो नाउ यू कैन सी डिक्शनरी इज एम्प्टी। अब हमारे पास क्या आ गई है, एम्प्टी डिक्शनरी आ गई है, इसके सारे के सारे आइटम्स डिलीट हो गए। ओके इसके जितने भी आइटम्स थे वो सारे आइटम्स डिलीट हो गए, आपके पास सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी आ गई है। आपने क्लियर फंक्शन की हेल्प से क्या किया था, डिक्शनरी के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको रिमूव करा दिया था। बट अगर आप चाहते हो कि डिक्शनरी कंप्लीटली डिलीट हो जाए, मतलब वो एम्प्टी डिक्शनरी भी आपके पास ना रहे, ओके सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज डेल स्टेटमेंट। उस केस में आपको कौन सी स्टेटमेंट का यूज करना है, डेल स्टेटमेंट का यूज करना है। नाउ दिस वी हैव डन, हमने ये किया था जब आपने ईएमपी क्लियर किया, ठीक है, तो जो आपकी ईएमपी डिक्शनरी थी वो क्या हो गई, एम्प्टी फाइन। अब अगर आप क्या करते हो, डेल ईएमपी डिक्शनरी नेम देते हो, तो ये क्या करेगा, इट विल डिलीट द कंप्लीट डिक्शनरी, ये पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा फाइन। ओके इसके बाद अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो ईएमपी तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे नेम एरर आ रहा है, नेम ईएमपी इज नॉट डिफाइंड, ओके दिखा रहा है कि ये ईएमपी ऑब्जेक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ईएमपी नाम की कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके तो डेल फंक्शन की हेल्प से आपने क्या किया, ईएमपी डिक्शनरी को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। नाउ वी हैव डेल कमांड, ओके इसको अभी हमने पहले भी किया है, इसको अब थोड़ा अच्छे से करते हैं। टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट दैट इज अ की वैल्यू पेयर, वी कैन यूज डेल कमांड। अगर आपको पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है डिक्शनरी में, तब आप इसको कैसे यूज करोगे, डेल ओके डिक्शनरी का नाम एंड की फाइन, डेल डिक्शनरी नेम एंड की, ओके तो दिस इज योर डिक्शनरी, डी वन आपकी डिक्शनरी है, having the key value pairs, input is the key, keyboard is the value, output is the key, print is the value, like this, okay? अब आपने D1 को यहाँ पे print कराया, तो now you can see input, keyboard, output, printer, language, like this, right? अब मुझे क्या करना है, del का use किया, del D1, D1 is the name of the dictionary, input, input की लिए, input की लिए, तो क्या होगा, ये इसका complete key value pair delete हो जाएगा, input का keyboard भी delete हो जाएगा, fine? Now, अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट कराते हो D1, तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों आपके क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, इनपुट एंड कीबोर्ड आपका डिलीट हो चुका है, और आपके पास क्या क्या आ गया, आउटपुट, प्रिंटर, लैंग्वेज, पाइथन, ओएस, विंडोज 8, राइट फाइन। तो सिंपली आपको की वैल्यू पेयर अगर डिलीट कराना है, तो आपको क्या करना है, डेल डिक्शनरी नेम एंड देन जो भी की वैल्यू पेयर, जो भी की वैल्यू पेयर डिलीट कराना है उसकी की, ओके स्क्वायर ब्रैकेट्स में। Now we have with del statement the key that we are giving to delete must exist in the dictionary otherwise Python raises exception, और कौन सा exception raise करता है, key error। ये क्या कह रहा है कि जो भी आप del function में key use करो, ठीक है, की वैल्यू पेयर करने के लिए वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर वो डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी तो पाइथन क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, की एरर शो करेगा फाइन। ओके तो यहाँ पे आप वही एग्जांपल है, D1 आपकी डिक्शनरी है, आपने जब डेल D1 आउटपुट किया तो क्या होगा, आउटपुट प्रिंटर दोनों इसमें से डिलीट हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ इनपुट कीबोर्ड रह गया, आउटपुट चला गया, लैंग्वेज पाइथन ओएस आ गया फाइन। अब आपने क्या किया, डेल
D1, और D1 के अंदर कौन सी की पास के, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो इसके अंदर है ही नहीं, D1 के अंदर सॉफ्टवेयर तो कोई की है ही नहीं। फाइन, तो अब क्या आ जाएगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, आपकी एक्सेप्शन रेज होगा, मींस एरर आएगी, और एरर कौन सी आई है, की एरर सॉफ्टवेयर, दैट मींस सॉफ्टवेयर की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। फाइन, इफ वी जस्ट गिव द डिक्शनरी नेम अलोंग विद द डेल स्टेटमेंट विदाउट एनी की एज डेल डिक्शनरी नेम, देन इट विल डिलीट द होल डिक्शनरी। ये अभी हमने किया था, अगर हमें कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल स्टेटमेंट के साथ डिक्शनरी का नाम देना पड़ेगा उसकी, इससे क्या होगा, जो डिक्शनरी है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। फाइन, ओके, एंड वी विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज द डिक्शनरी, और हम उस डिक्शनरी को यूज नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो ये हमने पहले भी अभी एग्जाम्पल किया, डेल D1, ओके, आपने D1 डिक्शनरी को डिलीट कर दिया। अब अगर आप D1 को प्रिंट कराओगे तो आपका नेम एरर आ जाएगा, नेम D1 इज नॉट डिफाइंड। फाइन, ओके, दैट मीन दिस डिक्शनरी इज नॉट एग्जिस्ट नाउ सिंपली। तो अगर आपको कंप्लीट डिक्शनरी डिलीट करनी है तो आप डेल स्टेटमेंट के साथ डिक्शनरी का नेम दे दोगे, ओके, और वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। नाउ चिल्ड्रन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी।